इस बार जहां मुझे लगता है इस बार मतलब 322 से 25 सीट के बीच आएगी। इंडिया गठबंधन आगे ज्यादा आगे हो जाएगी, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो 15 साल 20 साल पहले हुआ आप देखें, 2 साल में जो तेजस्वी यादव का जो एटीट्यूड था वो वैसा नहीं था। जहानाबाद एनडीए हार रहा है। एग्जिट पोल का जिस तरह से रुझान आना शुरू हुआ है, ऐसे में देखना ये होगा कि पटना की जनता क्या सोचती है, बिहार में क्या होने वाला है। और इसी चीज़ को जानने समझने के लिए हम निकल पड़े हैं सड़कों पर और कैपिटल टीवी की टीम जानेगी, लोगों से पूछेगी कि एग्जिट पोल के रुझान के बाद उनका क्या मानना है। आप बने रहे कैपिटल टीवी के साथ, मैं हूँ कुमार अभिषेक और मेरे साथ कैमरा पर मौजूद हैं विकास कुमार। तो आइए पटना की जनता से जानेंगे कि एग्जिट पोल के रुझान आने के बाद उनकी क्या सोच है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। अभी एग्जिट पोल का जो नतीजा आ रहा है उसमें हर चैनल भाजपा को दिखा रहा है कि वो बहुमत में है और जीत की ओर अग्रसर है, क्या सोचते हैं इस पर? तो इसमें जो ये दिखा रहे हैं ये जमीन पे ये कहीं ना कहीं ये हकीकत है, लोगों के विचार जो हैं वो उस ओर झुकाव है। आप देखिएगा तो पिछली बार बीजेपी का अपना सिंगल बीजेपी का जो था वो 303 सीट थी, इस बार जहां मुझे लगता है इस बार मतलब 322 से 25 सीट के बीच आएगी। और एनडीए का अगर टोटल देखिएगा तो उन्होंने जो नारा दिया है उनका कोई अगर जो वो उनकी चार से पाँच टीमें सर्वे करती हैं ऑन द ग्राउंड जो इंटरनल होता है उसमें वो जो डाटा डालती हैं उसमें जो वो करती हैं 400 पार अगर वो नारा जो देती हैं पिछली बार का या 2014 का देख लीजिए, 19 का उठा के देख लीजिए, उनका जो वो डाटा डालती हैं वो एग्जैक्ट वही नंबर रहता है। तो जैसे भाजपा आप कह रहे एग्जैक्ट नंबर जो बोलती है वही डाटा रहता है, 400 पार का नारा देते लेकिन कहीं पर 400 नहीं दिख रहा। दिखेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो नहीं दिख रहा है ना एनडीए वाला वो एनडीए का दिया है, भाजपा नहीं दिया। आपको ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा आप जो बोले ना उसमें कि एनडीए का दिया है मतलब गठबंधन के साथ। एनडीए का तो एनडीए का ही गठबंधन का जो टोटल डेटा आ रहा है जो चैनलों पे दिखाया जा रहा है वो 400 प्लस कोई नहीं दिखा रहा, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। अभी तो आया है रुझान, अभी शुरू हुआ है, अभी आप देखिएगा तो साउथ का भी विश्वास है आपको कि 400? हाँ एकदम श्योर, इसका कारण मैं बता रहा हूँ। अभी साउथ में देखिएगा, अभी साउथ का टोटल सीट लगभग 109 ऐसे कुछ का रुझान आया था साउथ का, उसमें से बीजेपी 57-58 सीटें जीत रही थी जो कि प्रीवियस इलेक्शन से वो उसका अच्छा बढ़त में है। जैसे खासकर केरल में बीजेपी का सीट नहीं था, एक जीती है। तमिलनाडु में बीजेपी 2 से 3 सीटें का दिखा रहा है एग्जिट पोल में, वो हो रहा है। आपका आंध्रा में बढ़त दिखा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो उसको एक जहाँ से नहीं माना जाता है गढ़ वहाँ से ये आगे आ रही हैं। और जो इनका जिससे बीजेपी को नॉर्थ बेल्ट का पार्टी कहा जाता है तो वहाँ पे आप तो रहेगा ही, यहाँ पे कुछ सीटें मान लीजिए एक दो कहीं कहीं होता है। जैसे बिहार में 39 सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार चांस है कि हमको जहाँ तक लग रहा है कि 35 के आसपास रहेगी इसमें प्लस माइनस बिहार में। उसका और भी बात करते हैं कुछ और भाई साहब हैं, क्या लग रहा है सर बिहार में क्या होने जा रहा है? एग्जिट पोल का नतीजा तो बता रहा है कुछ और। देखिए अभी यहाँ पे तो पहले के मुकाबले जितना 39 सीट था अभी कुछ कम होने जा रहा है, मतलब ऐसा रुझान लगता है। बट ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन आगे ज़्यादा आगे हो जाएगी, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि ये एमपी का इलेक्शन है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री को सोच के दिया जाता है। तो विपक्ष में यही है कि डिसाइडेड नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री इसके लिए। और दूसरा एक होता है कि जो सत्ता में होता है उसको बेनिफिट होता है, एक साइकोलॉजिकली बेनिफिट होता है कि ज़्यादा चांसेस रहता है कि वोट उसका शेयर बढ़ेगा। अगर अभी बात करें जो रुझानों में आ रहा है तो बहुमत भाजपा गठबंधन की तरफ जाता दिख रहा है। अगर बात करें यही चीज़ अगर पलट जाती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा इंडी गठबंधन में आप किसे मानते हैं? अभी तो अपोजिशन का सबसे बड़ा पार्टी जो है कांग्रेस है, तो उसमें से या तो राहुल गांधी होंगे या फिर प्रियंका गांधी। आप मानते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं, ज़रूर हो सकते हैं। पढ़े लिखे भी हैं और यात्रा उन्होंने किया है देश में, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। तो यात्रा मेरे बाबूजी हरिद्वार से पैदल घर आए गए थे, बिहार का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दोगे यात्रा से? कुछ नहीं होता भैया, क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर एक लीडरशिप का।
पढ़ा लिखा और एक समझदार होना, नहीं बड़ी पार्टी को चलाना वो लीडरशिप नहीं है, तो इसमें नहीं है। आप ही बड़ी पार्टी बोले तो बड़ी पार्टी बीजेपी क्या है, आज कितनी बड़ी पार्टी है तो उसको आप नकार दोगे। आपको सारे डायमेंशन को टच करना होगा कि सामने वाला क्या कर रहा है, उनकी एक्टिविटी क्या है, उनकी बोलने का तरीका क्या है। आप उनका एक कंक्लूसिव बता दीजिए, एक सेंटेंस वो बोलते हैं उसमें कुछ कंक्लूजन हो जिसे आप एक समझदार समझ सके एक लेमैन की भाषा में, नहीं समझ पाता है। एग्जिट पोल आने के बाद क्या लग रहा है, जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि भाजपा गठबंधन को की सरकार बनती नजर आ रही है, अभी जो एग्जिट पोल का जो पहला रुझान आया है, और वहीं जदयू को नुकसान होता दिख रहा है, बहुत सारे चैनल हैं जो जदयू को बता रहे हैं कि बिहार में नुकसान होने जा रहा है, आप इसे क्या मानते हैं? नीतीश कुमार का पाला बदलने के कारण ये ऐसा हो रहा है या कुछ और है? देखिए कुछ स्थानीय मुद्दा भी रहता है, ठीक है, हर चीज़ का स्थानीय मुद्दा। पहला तो हर लोग मोदी जी देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी बीजेपी और जदयू दोनों तो कंबाइंड है, और कहीं थोड़ा सा जातीय समीकरण भी जो होता है जहाँ तक कि उसका भी फैक्टर आया है, जातीय समीकरण की वो इस कास्ट है, लेकिन सरकार तो बनना ही है उसमें तो नो डाउट। एक अंकल हैं उनसे बात करते हैं। अंकल, जिस हिसाब से अभी जो रुझान आ रहा है उसमें लगभग सभी चैनल दिखा रहे हैं कि भाजपा को तो गठबंधन में सीटें आ रही हैं मगर जदयू को बिहार में, अगर मैं बात करूं बिहार में नुकसान हो रहा है, इसका क्या कारण है? एक्चुअली जो ये एग्जिट पोल आ रहा है ये रेंडम सैंपलिंग पर आधारित है, इसमें जो संख्या ली गई है वो करीब 5 लाख के आसपास ली गई है पूरे भारत में। आप पॉपुलेशन देखिए कितनी है, करीब 80 करोड़ दे रही है, अब 2% उसका होना चाहिए तो ये 40 लाख होना चाहिए था। इसलिए एग्जिट पोल आप जनरली देखिए हर साल जो है वो गलती हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं ओपिनियन वो आ पाता है। ये एग्जैक्ट तो वैसे कोई नहीं दे पाता बट बहुत सारे चैनल जो है उनका आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद जदयू जो है वो नेचुरल एलाई है, इसलिए कम जो ये दिखा रहे हैं वो ऐसा होना नहीं चाहिए, वो गलत दिखा रहे हैं मेरे अनुसार। आप नहीं मानते कि नीतीश कुमार का पाला बदल के उस तरफ जाना, महागठबंधन के साथ आना, फिर वापस आप नुकसान नेचुरल एली है। आप शुरू में जब 14 में वो आए थे ना, शुरू पहली वाली फेज में जब आए थे, आप देखिए किस तरह जो है वो पैराडाइम शिफ्ट हो गया था बिहार में। बिल्कुल हम लोग सोच रहे थे अंधेरा होगा, रोड नहीं होगा, करप्शन होगा और बदमाशी होगी, लेकिन वो सब उन्होंने चेंज कर दिया था। तो आप देखिए उनमें जो पार्टनरशिप थी वो तनावपूर्ण नहीं थी। आप देखिए जब राजद के साथ गए तो वो तनावपूर्ण थी, लगातार कुछ ना कुछ बयानबाजी होती रही थी। हाँ, राजद अगर अपने आप में पूरे सत्ता में आता है तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो सकता है वो अच्छा करे। वो चाहेंगे कि लालू यादव के समय जो एक पोर्ट्रे हुआ था, तो आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ, नहीं गठबंधन में नहीं, राजद अगर अपने आप में बहुमत में आता है, राज्य तो स्टैंड अगर पार्टी बना के वो राज्य में अगर आता है तो वो हो सकता है अच्छा करे, क्योंकि वो जो हेलो था लालू यादव का उससे वो बच के निकलने की कोशिश करेंगे। आप तेजस्वी यादव में पोटेंशियल है, आप देखें फिर जंगल राज की लोग याद दिलाने लगते हैं कैसे निकल पाएंगे। जंगल राज एक पॉलिटिकल मिथ है जो 15-20 साल पहले हुआ, आप देखें 2 साल में जो तेजस्वी यादव का जो एटीट्यूड था वो वैसा नहीं था। बट उनके एक जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उनका तो एटीट्यूड दिखता है कहीं कार्यकर्ताओं के साथ। सरकार में देखें आप कांग्रेस, वहाँ कर्नाटक में देखें वो प्रज्वल जो है वो क्या कर रहा है, इसके कारण पूरी भाजपा जो है पूरी उसकी छवि तो नहीं, बदनाम नहीं। हाँ, तो एक आदमी के कारण जो है अब वो सिनेरियो वो समय नहीं है, वो समय जो है वो बदल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए कुछ और, क्या लग रहा है अभी जो जिस तरह से रुझान आ रहा है एग्जिट पोल का, उसमें नीतीश कुमार को खासा नुकसान होता दिख रहा है। देखिए क्या कारण है? कारण तो ये है कि वो एक जगह स्टिक नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अलायंस वो बार बार चेंज कर रहे हैं, तो उससे एक कन्फ्यूजन का माहौल तो बिहार में बना है। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और लोकसभा के चुनाव में एक ही कैंडिडेट नज़र आ रहा है, या तो मोदी को देना, मोदी के फॉर्म में देना है, या मोदी जी के अगेंस्ट में देना है। तो यहाँ जैसा देखने को मिला है, जहाँ जेडीयू की का जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं वहाँ, जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन तो है, लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं तो फिर अंत में यही होता है कि चलो मोदी जी को वोट दें क्योंकि उनका काम अच्छा रहा है। तो नुकसान तो दिखता रहा है। अगेन ये एग्जिट पोल है, एक डायरेक्शन मिल रहा है, इससे एक डायरेक्शन तो मिल रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन मिल रहा है कि एनडीए की सरकार आ रही है, मोदी जी वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रांग इंडिकेशन है। और प्लस माइनस तो होगा ही क्योंकि एग्जिट पोल है। अभी आपको लग रहा है, हम लोग को लग रहा है कि जेडीयू उतना बढ़िया नहीं कर पा रही है, मे बी
कुछ बढ़ भी सकता है उनका, ठीक है। लेकिन अगर लोकल अगर आप प्रॉब्लम्स को लेकर के देखें, जो बिहार का जो लोकल प्रॉब्लम है जो कि जनरली एमएलए के इलेक्शन में दिखना चाहिए, उसमें देखिएगा तब नीतीश कुमार का तो घाटा हुआ है। और पर्पस ये है कि वो लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज कर पा रहे हैं, है ना। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जैसे ये इलेक्शन जीतने के बाद क्या उनका रुख होगा, ये भी एक सवाल है। अभी तो वो साथ में है, तो चलिए इस हिसाब से अगर कम है तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ होना भी चाहिए, एक वजह है, स्ट्रांग वजह है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे बिहार में जो एनडीए का जो परफॉर्मेंस है और जो नेशनल लेवल पे जो एनडीए का जो बढ़त मिल रहा है, तो उससे तो ठीक है, बढ़िया है उससे। कुछ और यहाँ पे युवा साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाजपा को दिखा, भाजपा को दिक्कत है बिहार में, भाजपा को ज़्यादा नहीं जीतेगा। लेकिन रुझान तो कुछ और, रुझान छोड़िए ना, 2015 में भी भाजपा का सरकार बनवा रहा था बिहार में, कितना सीट आया था, 50 सीट, तो वही हवा है, हवा बना रहा। सरकार तो बनी थी ना बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार हैं, 20 में कि कितना में, 15 में जो सरकार था गठबंधन से अलग हुआ था, भाजपा अकेले लड़ा था ना, गठबंधन जेडीयू और आरजेडी एक साथ लड़ा था, तो सरकार बनवा रहा था ना भाजपा का। इस बार क्या लग रहा है, इस बार 20-25 सीट जीतेगा, उससे ज़्यादा नहीं जीतेगा। अच्छा, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का इस बार के चुनाव, लोकसभा चुनाव में उनका जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, उससे उनका कद बढ़ा है? हाँ बिल्कुल बढ़ा है। कारण? कारण नौकरी दिया है, युवा है, ये सब चोर है भाजपा में जो बैठा है, सब जाति पॉलिटिक्स करता है, और क्या है। जहानाबाद एनडीए हार रहा है, जहानाबाद एनडीए एकदम हार रहा है, क्योंकि भूमिहार बहुल क्षेत्र है, भूमिहार को टिकट नहीं दिया इसलिए हार रहा है, कोई भूमिहार भूमिहार को टिकट नहीं देने की वजह से हार रहा है। भाजपा का और दूसरे पार्टियों का कौन सरकार बनाएगा अब, इसके बारे में आप कह नहीं सकते, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी। आपको क्या लगता है? डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी तो करेंटली तो बीजेपी है, डिपेंड इस पे करता है कि जो अपोजिशन पार्टी है जैसे उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए वो पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये डिपेंड करता है बेसिकली टोटली। देखिए जिस तरह से लोगों से हमने बात की, उन्होंने साफ कहा कि देखिए प्रधानमंत्री के दावों की बात करें तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही में नज़र आ रहा है, वही जीत कर रहा है, और रुझान भी यही बता रहे हैं कि भाजपा गठबंधन की सरकार बनती नज़र आ रही है। लेकिन ये बात भी लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी का इस लोकसभा चुनाव से कद बढ़ा है, उनकी जिस तरह से रैलियाँ हुई हैं, उन्होंने जो वादे किए, खास करके उन्होंने जो रोज़गार जो बांटने का जो दाव खेला है वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ता नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव को लोग पसंद कर रहे हैं। और हो सकता है कि इस बार जो विधानसभा के जो चुनाव बिहार में होने वाले हैं, इस लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर उस विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाले हैं, और तेजस्वी यादव का कद बड़ा हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि अगर महागठबंधन, इंडी महागठबंधन की सरकार बनती है या उनको बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। लेकिन रुझान जो कह रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ही बन रहे हैं और भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलती दिख रही है। अब यही रुझान में आया है और अब देखते हैं कि आगे 4 तारीख को क्या रिजल्ट निकल कर आता है। मैं कैमरा पर्सन विकास के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल TV, पटना।